नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल गोल्ड आई के ऊपर। और दोस्तों, आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं येलो गोल्ड, रोज गोल्ड और व्हाइट गोल्ड के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि सर येलो गोल्ड क्या होता है, रोज गोल्ड क्या होता है और उसको बाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रोज गोल्ड और व्हाइट गोल्ड जो होता है वो कुछ अलग गोल्ड नहीं होता। उसमें कुछ एलॉयज ऐसे मिलाए जाते हैं जिसकी वजह से जो है उसका कलर चेंज हो जाता है, और उसका कलर चेंज होने के कारण जो है बहुत सारे ज्वेलर जो है उसके ऊपर मेकिंग चार्ज भी बहुत ज्यादा लगाते हैं, और इसी के साथ साथ जो है उसकी प्राइजेस भी थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो आइए दोस्तों, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है जो है रोज गोल्ड होता है या फिर व्हाइट गोल्ड होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे येल्लो गोल्ड आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो येल्लो गोल्ड जो होता है 22 कैरेट का होता है, 18 कैरेट का होता है, 14 कैरेट का होता है। ये वही गोल्ड होता है जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, 22 कैरेट या फिर 24 कैरेट या फिर 18 कैरेट का या फिर 14 कैरेट का। लेकिन जब हम लोग डायमंड की ज्वेलरी बाय करने के लिए जाते हैं तो वहां पे कहीं कहीं पे आप लोगों को येलो गोल्ड ये शब्द सुनने को मिलेगा। उसका कारण ये होता है कि ज्यादातर डायमंड की जो ज्वेलरी होती है या तो वो रोज गोल्ड में होती है या फिर व्हाइट गोल्ड में होती है, इसलिए यहाँ वहां पे आप लोगों को येलो गोल्ड ये शब्द भी सुनने को मिलेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये चीज मेंशन कर दी है। अब बात कर लेते हैं प्योरिटी की। तो प्योरिटी जो इसमें होती है 22 कैरेट भी होती है जो 916 की होती है, यानी कि 91.67 इसमें प्योरिटी होती है। जो 18 कैरेट होती है उसमें 75% प्योरिटी होती है, और जो 14 कैरेट होती है उसमें 58.83% जो होती है प्योरिटी होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एलॉयज की। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, एलॉयज इसमें जो है अलग अलग यूज होते हैं। जैसे कि मान के चलिए किसी ने 18 कैरेट का गोल्ड खरीदा और उसने 10 ग्राम गोल्ड खरीदा, तो 10 ग्राम गोल्ड 75% अगर है तो उसमें क्या है 7.5 ग्राम जो है प्योर गोल्ड है, और जो बाकी का जो 2.5 ग्राम है वो 2.5 ग्राम जो है एलॉयज होते हैं। तो वो एलॉयज क्या होते हैं, जैसे कॉपर, जिंक, पैलेडियम, सिल्वर, ऐसे जो है एलॉयज इसमें यूज होते हैं। पहले केडियम भी यूज होता था, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया कि केडियम जो है गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, तो अभी केडियम का यूज नहीं होता और ना ही इरिडियम का भी यूज होता है। इसके बाद में इसकी प्राइस एंड मेकिंग चार्जेस क्या होते हैं, तो प्राइस इसकी नॉर्मल होती है, जो मतलब मान के चलिए आज की जो प्राइस है उसका आप 75% कर दीजिए अगर 18 कैरेट खरीद रहे हैं तो, और 75% करने के बाद में जो मेकिंग चार्ज है वो 8 से 16% के आसपास इसमें होते हैं। क्योंकि ये जो जनरली ये ज्वेलरी होती है वो प्लेन ज्वेलरी होती है, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने एक इमेज भी यहाँ पे ऐड कर ली है। तो दोस्तों ये तो हुई येल्लो गोल्ड की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं रोज गोल्ड के बारे में। तो रोज गोल्ड जो होता है दोस्तों वो 18 कैरेट और 14 कैरेट में ही होता है, क्योंकि ये जो गोल्ड होता है ये 22 कैरेट में बन पाना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें जो है कॉपर और उसी के साथ साथ जो है जिंक जैसे एलॉयज का यूज ज्यादा होता है। तो अगर कोई 22 कैरेट में इसको बनाना चाहे तो वो जो कलर है, जो रोज गोल्ड का कलर है, वो आ ही नहीं पाता, थोड़ा सा रेडिश कलर जो है वो नहीं आ पाता। इसके लिए ये जो गोल्ड है 18 कैरेट और 14 कैरेट में ही बनता है। इसके बाद में इसका यूज कहाँ पे होता है, कौन सी ज्वेलरी में होता है, तो इटालियन ज्वेलरी में होता है और डायमंड की ज्वेलरी में होता है। इटालियन ज्वेलरी में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो इटली से आती है या फिर इम्पोर्ट होती है, वो बनती इंडिया में ही है, क्योंकि आजकल सारी ज्वेलरी जो है इंडिया में ही बनने लग गई है, जो भी इम्पोर्टेड ज्वेलरी आती थी पहले वो। तो ये जो ज्वेलरी है इटालियन इसके लिए होती है क्योंकि उसका फिनिश वैसा होता है, उसका स्टाइल जो है थोड़ा इटालियन टाइप का होता है, इसके लिए जो है इसमें इटालियन नाम दिया गया है। इसके बाद में अगर हम लोग प्योरिटी की बात करें तो इसमें 18 कैरेट प्योर होता है और 14 कैरेट प्योर होता है। 18 कैरेट में 75% प्योरिटी होती है और 14 कैरेट में 58.33% जो होती है वो प्योरिटी होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें एलॉयज क्या यूज होते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें जो है कलर चेंज करने के लिए कॉपर और जिंक का ज्यादा यूज होता है। कॉपर की मात्रा जो है एलॉयज के फॉर्म में बहुत थोड़ी सी ज्यादा डाली जाती है, इसके लिए इसमें जो है कलर जो है आपको थोड़ा सा, देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा रोज कलर टाइप का कलर दिख रहा होगा, तो उसका रीजन ही जो है यही होता है। और इसमें अगर प्राइस एंड मेकिंग चार्जेस की बात करें तो इसमें प्राइजेस बहुत हाई होते हैं और मेकिंग चार्जेस भी बहुत हाई होते हैं, क्योंकि देखिए अगर आज के अगर रेट के हिसाब से बात करें तो हम लोगों को 18 कैरेट का रेट लगभग लगभग 38,000 से 39,000 रुपए पड़ना चाहिए, लेकिन आप मार्केट में 40,000 रुपए से कहीं पे भी नीचे जो है रेट नहीं पाएंगे। उसका कारण ये होता है कि एलॉयज इसमें बहुत ज्यादा यूज करने होते हैं और उनका जो फॉर्मूला होता है वो अगर थोड़ा भी 19-20 हो गया तो ये कलर्स वगैरह जो है एग्जैक्ट नहीं आ पाते। जैसे ये 14 कैरेट का गोल्ड है
यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। लेकिन 14 कैरेट की आप फिनिशिंग देखिए, क्वालिटी एकदम फिनिशिंग में मस्त आ रही है। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं व्हाइट गोल्ड के बारे में। तो व्हाइट गोल्ड भी सेम एज जैसा रोज गोल्ड होता है वैसा ही होता है, लेकिन उसमें जो है पैलेडियम और सिल्वर की मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि उसको व्हाइट टच देना होता है गोल्ड को। और ये भी जो है 18 कैरेट और 14 कैरेट में ही बनता है, 22 कैरेट में ये बन पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसका भी यूज जो है इटालियन ज्वेलरी और डायमंड ज्वेलरी में होता है। इसके बाद में अगर हम लोग इसकी प्योरिटी की बात कर ले तो 18 कैरेट की 75% और 14 कैरेट की 58.33% जो होती है इसकी प्योरिटी होती है। अब अगर बात करें प्राइस एंड मेकिंग चार्जेस की, तो प्राइस इसके बहुत हाई होते हैं, जैसा मैंने पहले आपको रोज गोल्ड के कंडीशन में बताया, और मेकिंग चार्ज भी 15 से लेके 25% तक के इसमें होते हैं। और व्हाइट गोल्ड कुछ इस तरीके से दिखता है, दिखने में थोड़ा बहुत जो है प्लेटिनम से ये जो है मैच करता है। अब सवाल आता है दोस्तों कि इसको बाई कैसे करें और बाई करें क्यों। तो देखिए दोस्तों, जो लोग ज्वेलरी जो है इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदना चाहते हैं उन लोगों के लिए तो ये गोल्ड सही नहीं है, लेकिन जो शौकिया है, जिनको शौक है कि हमको एक रोज गोल्ड की हमारे पास रिंग होनी चाहिए, या फिर हम लोगों के पास व्हाइट गोल्ड की एक रिंग होनी चाहिए, येलो गोल्ड तो आप छोड़ दीजिए, मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि वो नॉर्मल जो हमारा गोल्ड होता है उसी तरीके से होता है। लेकिन रोज गोल्ड और व्हाइट गोल्ड जो है आप लोग जो है अगर खरीदना चाहते हैं शौक के तौर पर, तो आप लोगों को मैंने जैसा बताया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज का मैंने हम लोगों का यहाँ पे प्राइस लेके चला है 50,700 रुपीज पर 10 ग्राम का 24 कैरेट का। अगर इसका 75% यानी कि 18 कैरेट की हम लोग प्योरिटी निकाल रहे हैं, ये सॉरी प्राइस निकाल रहे हैं, तो 38,025 रुपीज होता है। फिर अगर ये 38,025 रुपीज के ऊपर हम लोग अगर 18-19% भी मेकिंग चार्ज निकालें, तो 700 से 800 रुपये पर ग्राम जो है मेकिंग चार्ज पहुंच जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो जब हम लोग 22 कैरेट की प्योरिटी की जो ज्वेलरी खरीदते हैं उसी के आसपास इसका भी प्राइस पहुंच जाता है। फिर भी अगर आप शौकिया तौर पे खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरी एक सलाह है आपको कि बहुत बड़े बड़े ज्वेलर्स या फिर नॉर्मल जो ज्वेलर्स हैं, मीडियम टाइप के जो ज्वेलर्स हैं, वो हमेशा कभी ना कभी ऑफर्स निकालते रहते हैं कि डायमंड ज्वेलरी पे 100% डिस्काउंट या डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेस पे 100% डिस्काउंट। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप लोगों को भले ही जो है ये प्राइस आप लोगों को यहाँ पे 38 दिख रहा है, लेकिन आज आप मार्केट में पता करेंगे तो 40,000 के नीचे जो है इसका प्राइस नहीं रहेगा। और 40,000 भी मैं नॉमिनल आपको बता रहा हूँ, इससे ज्यादा ही जो है 18 कैरेट ज्वेलरी का जो है प्राइस रहेगा। तो आप लोगों को भले ही जो है ये प्राइस ज्यादा लगे, लेकिन आपको जहाँ पे ये मेकिंग चार्ज लग रहा है उससे आप बच सकते हैं। फिर जो डायमंड है, अब मान के चलिए डायमंड का 50,000 रुपीज पर कैरेट का प्राइस है, तो उसमें आप ये कोशिश कीजिए कि नॉमिनल जो है डायमंड बाय कीजिए, यानी कि 1 सेंट या फिर 2 सेंट ही जो है डायमंड बाय कीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर 1 सेंट आप डायमंड बाई करते हैं तो आपको 5,000 रुपये में आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पे जो मेकिंग चार्जेस आपको लग रहे हैं 4-5 ग्राम अगर आप लोगों को ज्वेलरी लेनी है, तो उससे आप लोग जो है बच सकते हो। तो दोस्तों ये तो था आज का नॉलेज गोल्ड के ऊपर कि व्हाइट गोल्ड और रोज गोल्ड में क्या फर्क होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।